Tank. Are you ready? 2, 1. Welcome back to my channel. So hello and good morning, my YouTube family. तो आज हमने कुछ शॉपिंग करने के लिए जाना है, जिसकी वजह से हम यहाँ से जल्दी निकल रहे हैं. और इसके साथ ही मैं आपको गैरिसन पब्लिक लाइब्रेरी का आउटव्यू दिखा रही हूँ. अब मैं घर पहुँच चुकी हूँ और घर पहुँचने के बाद जैसे ही मैं घर आती हूँ, उम्मीद खान जो है वो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं कि जी मामा जो है ना मुझे टाइम दें और मुझे उठाएँ. और सेम इसी तरह से अभी मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जी अब ना आप मेरे साथ खेलें भी और मुझे उठाएँ भी और इधर उधर मुझे सैर कराएँ. और इस सब के साथ साथ देखें, उम्मीद खान को भूख लग गई है और आज घर पे एक कड़ी पकौड़ा बना हुआ है. तो मैंने कुछ पकौड़े उसमें से निकाल के जो कड़ी के लिए तले थे, मैं उम्मीद खान को जो है वो खिला रही हूँ. इसके साथ साथ मलका देखिए, मलका भी हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं और बातें कर रही हैं. और ये जी हम जा रहे हैं आज लतीफ़ जनरल स्टोर, और मैं आज आपको लतीफ़ जनरल स्टोर का विज़िट कराऊंगी और साथ में ये उम्मीद खान भी हमारे साथ हैं. इस रास्ते को एंजॉय कर रहे हैं. बाहर घूमना फिरना तो वैसे ही उम्मीद खान को बहुत पसंद है, ही लव्स इट. इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है. और ये जनाब, मैं आपको रास्ता जो है वो उसका व्यू दिखाते हुए मुल्तान की सैर करें आप मेरे साथ. और अभी हम ये फ्लाईओवर पे चढ़ चुके हैं और ये कचहरी वाला फ्लाईओवर है. ये उतरते ही सामने नौ नंबर और 9 नंबर से हमने जाना है आगे 6 नंबर की तरफ. 6 नंबर बाटा चौक पे लतीफ़ जनरल स्टोर है और ये पूरा एक सुपर मार्केट है मुल्तान में बड़ी, जहाँ पर आपको ग्रॉसरीज हर तरह की और हर तरह की जो चीज़ है वो आपको एक ही फ्लोर पर मिल जाएगी. जैसा कि हम लोग मुल्तान में चीज़ पिया के मार्ट से ले लेते हैं, वैसे ही सेम ये मार्केट है या चीज़ वैल्यू है. लेकिन इन तीनों मार्केट से कंपैरेटिवली मैं लतीफ़ में फ़र्स्ट टाइम गई हूँ और मुझे जो प्राइसेस हैं वो कंपैरेटिवली ग्रॉसरीज़ की वो कम लगी हैं इन तीनों स्टोर से. और ये मेरा फ़र्स्ट विज़िट था. मैंने सुना हुआ था इसके बारे में और लेकिन पहले मैं कभी नहीं गई. मुझे ये लगा कि शायद एक छोटी सी शॉप होगी जिसमें मुझे अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने देखी यहाँ पर जो मिल जाती हैं. और ये अभी देखें जी व्यू, एग्जैक्टली जो 6 नंबर चुंगी के पास है, ये अल नेमत बारबेक्यू है. इसी की स्ट्रीट में हम लोग ये जो है आ गए हैं और यहीं पर जो नेक्स्ट चौक आता है वहीं पर ये लतीफ़ जनरल स्टोर है. इसकी एंट्रेंस भी मैं आपको दिखाऊंगी. ये जैतून आ गया, जैतून रेस्टोरेंट. और इसके ऑपोजिट देखिए, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ये लतीफ़ जनरल स्टोर आ गया. और अभी मैं इसको इसके थोड़े से जो क्लिप्स हैं वो आपको अंदर भी दिखाएंगे. जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो ये यहाँ पर चीज़ें वगैरह रखने के लिए एक लड़का खड़ा हुआ था और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैं अपने बैग में मिठल की बहुत सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद थी जो मैं निकालने लगी, उसका फीडर वगैरह. तो फिर उसने मुझे कहा कि आप ले जाएँ अंदर. तो फिर जो है मैं ले आई अंदर. और अब ये देखें उम्मीद खान को, ये माशाल्लाह बहुत यहाँ पर इंजॉय कर रहा है अंदर. और सारी चीज़ें, सबसे पहले मुझे यहाँ पर पैम्पर्स नज़र आ गए, जो कि मुझे अपनी जो मार्केट है वहाँ पर नहीं मिल रहे थे, शॉर्ट हुए हुए थे. और मैंने सबसे पहले जो अपने बेटे की ज़रूरत की चीज़ थी वो उठा ली, और साथ में ट्रॉली लेने के बाद इसको भी मैंने बिठाया ताकि ये भी इधर उधर व्यू आराम से सुकून से देखता रहे और हम भी जो शॉपिंग्स हैं वो बिल्कुल आराम से करें. और अभी इस मार्केट के जितने भी छोटे मोटे क्लिप्स मैंने कैप्चर किए हैं वो मैं आपको साथ के साथ जो है वो शेयर कर लेती हूँ. अच्छा, इस जगह पर ये देखें, इस कॉर्नर पे ये मिरर्स वगैरह हैं और कुछ डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद थी. फॉर एग्ज़ाम्पल बर्थडे बैलून्स और कैप्स वगैरह.
तो वो यहाँ पर इस कॉर्नर में हम देख रहे हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट पीछे की तरफ हम एक तरफ देख रहे हैं, ये इनका प्लास्टिक रूम है। प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस रूम में मिल जाएंगी। उसकी कैप्चरिंग भी मैंने एक दो क्लिप्स छोटे से लिए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखें यहाँ पर ये कुछ बकेट्स हैं जो मौजूद हैं, और जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, मुझे कंपैरेटिवली इन सब बकेट्स की जो प्राइसेस थी प्लास्टिक की, ये कंपैरेटिवली बाकी जो स्टोर्स हैं उनसे थोड़ी सी कम लगी। और इसके अलावा ये भी कि जो नई चीज़ होती है वो भी इनके पास उसकी अवेलेबिलिटी जो है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो अपडेटेड चीज़ें हैं वो इनके पास नहीं आई हों, इनके स्टोर में मौजूद नहीं हों, वो भी आपको यहाँ से ईज़िली मिल जाएंगी। और ये देखें एक छोटा सा जो बॉक्स है ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इसकी मिरर्स की तरह जो है वो काफ़ी शाइन कर रहा था। और ये जैसा कि आप लोग सबको पता है कि उम्मीद खान की बर्थडे आने वाली है, तो उसके बैलून्स ब्लो करने के लिए ये एक ब्लोगन जो है वो मैंने वहाँ मुझे नज़र आ गई, तो मैंने वो परचेज कर ली। अब मार्केट से हम लोग अपनी शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद हम लोग निकल आए हैं। शाम हो चुकी है, बल्कि अंधेरा हो चुका है, मगरिब के भी बाद का टाइम हो चुका है, और हमें सख्त भूख लग चुकी है शॉपिंग करते करते। इसके अलावा उम्मीद खान का भी ख्याल रखते हुए उसको बारी बारी हम सब ने उठाया, कैरी किया। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये कॉर्नर है, यहाँ पर कुछ बारबेक्यू वगैरह तैयार कर रहे थे, और मिठल को भी भूख लग रही थी जिसकी वजह से मैंने उसके लिए भी थोड़े से बनानास वगैरह ले लिए, और उसको भी वहीं खड़े खड़े एक बनाना जो है वो मैंने वहीं पर खिला दिया, क्योंकि वो बिल्कुल बनाना देख के सब्र नहीं कर रहा था और बहुत चीख रहा था कि मुझे जो है वो बनानास चाहिए। अभी हम वापसी के लिए निकल चुके हैं, और ये रास्ते जो है ये भी मैं आपको वापसी का रास्ता जो है वो भी दिखा रही हूँ व्यू। ये भी आप लोग जो है रात मुल्तान में मेरे साथ साथ देखते जाइए। बोसन रोड है, मेन रोड की तरफ से हम लोग आए थे, और ये सब अभी बोसन रोड ही चल रहा है। और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, घर पे अम्मी अबू वेट कर रहे हैं हमारा भी और मिठल का भी। इसके अलावा मौसम अब थोड़ा सा हल्का हल्का चेंज होने लग गया है, जो रातें हैं वो ठंडी होने लग गई हैं, तो इसीलिए अम्मी जो है वो कुछ मिठल के लिए परेशान हो रही थी कि उम्मीद खान को जो है वो सर्दी बिल्कुल नहीं लग जाए। और अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग पहुँच गए हैं डेरा अड्डा चौक, और डेरा अड्डा चौक से अभी हमें आगे भी थोड़ा सा हमारा फासला जो है वो रहता है। मैं शीशे से जो है कैप्चरिंग आपके लिए थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने कर लिए हैं। जो उम्मीद खान है वो ये डेरा अड्डा चौक पे हम पहुंच गए। उम्मीद खान जो है वो रास्ते में काफ़ी थक चुका था, क्योंकि वो सुबह से जाग रहा था, और मैं ऑफ़िस के बाद आई तो मैंने उसको रेडी कर लिया। मैंने कहा चलो मैं अपने साथ ले जाती हूँ इसको, हमारा इतना कोई एजेंडा नहीं था ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग करने का, छोटी मोटी हमने चीज़ें लेनी थी देखनी थी, तो मैंने यही सोचा कि इसको अपने साथ ही ले जाती हूँ, ये भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, एंजॉय कर लेगा बाहर। तो मैंने इसे रेडी कर लिया, और जब ये बाहर चला जाता है कुछ एक्टिविटी में होता है तो फिर बिल्कुल भी नहीं सोता, तो आते हुए भी बस ये रास्ता जो है वो देखता आया और इसको नींद नहीं आई। लेकिन अब जाते हुए जो है वो कुछ अंधेरा भी हो गया, तो ये थक भी काफ़ी गया, तो अब जो है वो सो रहा है ये आराम से, और हम जो है वो वापसी के लिए घर के लिए हम निकल चुके हैं। ये क्लिप मैंने काफ़ी दिन पहले जो है वो लिया था, कुछ दिन हो गए हैं हमें शॉपिंग पर गए हुए, लेकिन बस जॉब और उम्मीद खान के ख्याल रखने के चक्करों में मैं बिल्कुल भी इसको एडिट नहीं कर पाई, मैं इसकी डबिंग नहीं कर पाई, वॉइस ओवर जो
हैं जहाँ पर आपको क्लोदिंग या आपको शूज़ वगैरह बैग्स वगैरह इस किस्म के जो शॉप्स हैं उन पर कंपैरेटिवली जो रश है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। चौक है चार घोड़ा चौक, वहाँ पर ये मौजूद थे और ये बहुत सारे ट्रक्स हैं। फाइनली हम कैंट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये चार घोड़ा चौक है और मैकडॉनल्ड्स वाला, यू पीपल मस्ट रिमेंबर। इसके अलावा यहाँ पर स्वीट क्रीम जो है उसकी भी एक कैंट ब्रांच यहाँ मौजूद है वो जो कि आप देख सकते हैं। और यहीं पर जो है वो चमनज़ार अस्करी जो कैंट में पार्क है काफ़ी मशहूर, वो भी यहीं पर मौजूद है इसी जगह पर। इसके अलावा यहाँ पर बारबेक्यू टुनाइट भी इसी स्ट्रीट में मौजूद है। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर के बिल्कुल करीब और ये रात के टाइम आप जी गैरिसन लाइब्रेरी का एक छोटा सा क्लिप देख लें। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है वो गैरिसन हॉल है। मेरी दोन मेरा बेटा है और मेरा बदमाश बेटा, बदमाश है बिल्कुल, वो बिल्कुल बदमाश है। देखो देखो शरारतें कर रहा है, देखो देखो शरारतें कर रहा है। मम्मा सारी सारी शरारतें। इसको जैसे ही लिटाया तो इसकी आँख खुल गई और ये जाग चुका है। और इसके बाद अब इसकी मस्तियाँ नहीं ख़त्म हो रही। मस्तियाँ 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 आ गई है, मस्तियाँ। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। और ये कैप्स जो आज मैंने परचेज की हैं इसके लिए, लेकिन आई एम डैम श्योर कि ये कैप्स ये बिल्कुल नहीं पहनेंगे।